Hello everyone, in this video you will get to know how we can measure capacity of communication media. In data communication, the transmission medium is also known as channel. Data communication mein transmission medium ko channel bhi kaha jata hai. Channel aapka wireless channel ho sakta hai like waves, radio waves, microwaves aur wired channel bhi ho sakta hai like cables, wires, okay? The capacity of a channel is the maximum amount of सिग्नल्स और ट्रैफिक डेट अ चैनल कैन कैरी. तो चैनल की कैपेसिटी कैसे डिसाइड होती है, कितना अमाउंट ऑफ सिग्नल्स और डेटा वो चैनल कैरी करता है, वो चैनल ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन. इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर रेट. चैनल की कैपेसिटी को डिसाइड करने के लिए वी हैव टू टर्म्स, बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर रेट. ओके, सो फर्स्ट वी हैव द बैंडविड्थ. बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी कंटेंड इन द कंपोजिट सिग्नल्स. वी नो इट वेरी वेल कि जब डेटा ट्रांसफर होता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है. फाइन, तो यहाँ पे बैंडविड्थ कैसे डिसाइड होती है? बैंडविड्थ हम निकालते हैं फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी को का डिफरेंस. ओके, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वो क्या डिसाइड करती है, वो चैनल की बैंडविड्थ को डिसाइड करती है. अब यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्वेंसी क्या होता है. फ्रिक्वेंसी इज मेजर्ड इन द नंबर ऑफ वेव साइकल्स पर सेकेंड. फ्रिक्वेंसी आप कैसे मेजर करोगे कि एक वेव ने, ठीक है, एक वेव ने 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स को कवर किया. जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट वेव है उसने 1 सेकेंड में 1 साइकिल को कवर किया, सेकेंड वेव ने 1 सेकेंड में 2 साइकिल्स को कवर किया. तो जो फर्स्ट वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 1 हर्ट्ज. और जो सेकेंड वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 2 हर्ट्ज. फाइन, ओके. तो फ्रिक्वेंसी हम आपको पता चल गई, फ्रिक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकल्स कवर्ड बाय अ वेव पर सेकेंड. फाइन, और इसको हम क्या बोलते हैं? हर्ट्ज, राइट. ये फ्रिक्वेंसी कैसे मेजर होती है? इन हर्ट्ज, राइट. ओके, अब बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी कंटेंड इन द कंपोजिट सिग्नल्स. जो सिग्नल्स ट्रेवल होते हैं चैनल के थ्रू, राइट, वहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रिक्वेंसी के बाद जो रिजल्ट आता है उससे डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर चैनल की बैंडविड्थ क्या है. फाइन, बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल इज द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू डैट चैनल. तो बैंडविड्थ, जो चैनल की बैंडविड्थ होती है वो कैसे डिसाइड होती है? रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज से डिसाइड होती है. ओके, नाउ हायर द बैंडविड्थ, हायर द डेटा ट्रांसफर रेट. जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, राइट, डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, लोअर फ्रिक्वेंसी एंड हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स की जो लोअर फ्रिक्वेंसी है और हायर फ्रिक्वेंसी के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा डेटा ट्रांसफर रेट होगा. फाइन, ओके, आप या फिर इसको ऐसे कह सकते हो, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ही ज़्यादा डेटा ट्रांसफर होगा चैनल के थ्रू. ओके, द फिगर बिलो शोज द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल एफ विद लोअर एंड अपर फ्रिक्वेंसीज FL एंड FU रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे एक सिग्नल F है, ये आपका F सिग्नल है जो ट्रेवल कर रहा है, उसकी लोअर फ्रिक्वेंसी क्या है? FL, एंड अपर फ्रिक्वेंसी है FU. तो यहाँ पे बैंडविड्थ कैसे निकलेगी? FU माइनस FL. फाइन, या ओके, यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज अ सिग्नल विच इज़ टू बी ट्रांसमिटेड हैज़ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज. एक सिग्नल है, ओके, वो ट्रांसमिट हो रहा है चैनल के थ्रू और डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज से वो ट्रांसमिट हो रहा है. लाइक उसकी कभी फ्रिक्वेंसी क्या है? 6000 मेगा हर्च है, देन 4200 मेगा हर्च, 1500 मेगा हर्च एंड 820 मेगा हर्च. सो हियर द सिग्नल बैंडविड्थ विल बी स्पेसिफाइड बाय द डिफरेंस ऑफ द लोएस्ट एंड द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी. तो यहाँ पे ये क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसीज है. फाइन, फिर से देखो, सपोज अ सिग्नल विच इज़ टू बी ट्रांसमिटेड हैज डिफरेंट फ्रिक्वेंसी. एक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर. फाइन, तो हम बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे? हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? बैंडविड्थ निकलेगा. ओके, तो यहाँ पे बैंडविड्थ कैसे निकलेगा? देखो, 6000 मेगा हर्च माइनस 820 मेगा हर्च, तो आपकी जो बैंडविड्थ आ गई है वो क्या आ गई है? 5180 मेगा हर्च, राइट. दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल. ओके, नाउ बैंडविड्थ, अब आप बैंडविड्थ को किस यूनिट में मेजर करते हैं? बैंडविड्थ इज मेजर इन हर्ट्ज, राइट. 1 kHz रिप्रेजेंट 1000 साइकिल पर सेकेंड. 1 kHz का मीनिंग क्या है कि एक सेकेंड में 1000 साइकिल एक सिग्नल कवर करता है. ओके, 1 MHz रिप्रेजेंट 1000 kHz, 1 GHz रिप्रेजेंट 1000 MHz एंड 1 THz रिप्रेजेंट 1000 GHz, राइट.
Okay. Now next we have data transfer rate. Data transfer rate is the number of bits transmitted between the source and destination in 1 second. तो data transfer rate क्या है कि कितने bits transmit होते हैं 1 second में from source to the destination. Okay. It is also known as bit rate. Data transfer rate को बिट रेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे डेटा को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, राइट. इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड, राइट. द हाइयर यूनिट फॉर डेटा ट्रांसफर रेट्स आर, और इसको आप कैसे, इसकी यूनिट्स क्या हैं, 1 kilobits per second इक्वल्स टू 1024 bits per second, 1 megabits per second इक्वल्स टू 1024 kilobits per second, 1 gigabits per second इक्वल्स टू 1024 megabits per second, 1 terabits per second इक्वल्स टू 1024 gigabits per second. ओके. ना अब यहाँ पे देखो, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. डेटा ट्रांसफ़र रेट अगर आपको मेज़र करना है तो आप कैसे करोगे. अ यूज़र वॉन्ट्स टू अपलोड अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट द रेट ऑफ 10 pages per 20 second. एक यूज़र क्या चाहता है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहता है. ओके. किस रेट पे 10 pages अपलोड हो जाए, कितने सेकेंड्स में, 20 seconds में. ओके. What will be the required data rate for the channel? तो यहाँ पे data rate क्या होगा, medium का, channel का क्या data rate होगा. Assume that one page contains 1600 characters. Okay, 10 pages हैं. Okay, और एक पेज का कितने characters contain करता है, 1600 characters करता है. Okay, and each character is of 8 bit. और एक character कितने bits का, 8 bits का, right? तो हम आपका data transfer rate कैसे निकलेगा, 10, because 10 pages अपलोड करना चाहता है, into 1600. ओके. वन पेज में कितने करेक्टर्स है, 1600, तो 10 pages में 10 into 1600, और एक करेक्टर के अंदर कितने बिट्स हैं, 8, राइट. 10 into 1600 into 8 डिवाइडेड बाय 20. ओके. पर सेकेंड होता है ना, तो यहाँ पे 20 seconds में वो 10 pages को अपलोड करना चाहता है. ओके. तो यहाँ पे आपका डेटा ट्रांसफ़र रेट निकल के आ गया है 6400 bits per second और 6.25 kilobits per second, राइट.